हे गाइस, आज हम देखेंगे कोहिनूर चारमीनार एवरीडे राइस का रिव्यू। ये 5 kg का पैक है। मैंने इसको अमेजोन से 255 में परचेज किया था। आइए देखते हैं पैक के पीछे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। MRP इसकी 420 है, बट ये ऑनलाइन आपको 255 280 तक की रेंज में आराम से मिल जाता है। और 24 मंथ्स इसकी एक्सपायरी डेट है। और इसमें दे रखे हैं कुकिंग के मेथड, कुकिंग के इंस्ट्रक्शंस, ओपन पॉट मेथड, अगर आपको ढक के बनाना है या माइक्रोवेव में बनाना है, उन तीनों के आपको ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं। आइए इसे ओपन करके देखते हैं इसमें राइस की क्वालिटी कैसी है। ये देखिए, चावल लंबाई में ज्यादा नहीं है पर है काफी पतला। अब इसको बना के ही पता चलेगा कि ये कैसा बनता है, तो चलिए इसको बनाते हैं। बनाने के लिए जो इसमें पैक के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मैं उसी को फॉलो करूंगी। इसमें लिखा हुआ है कि इसको 3 बार रेगुलर पानी से हमें साफ करना है, वॉश करना है, ताकि इसमें से एक्सेसिव स्टार्च निकल जाए। और बनाने से पहले हमें इसको 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो ये मैंने एक बाउल राइस लिया है, एक कटोरी, और इसको मैं अच्छे से पानी में धो लूंगी। जैसा कि पैक के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको 3 से 4 बार पानी में धो लें। अब हम इसको इसके डबल पानी में भिगो देंगे, जिसमें चावल आराम से डूब जाएं, और 15 मिनट तक इसको इसी तरह से ड्रेन रहने देंगे। अब हम इनको बनाते हैं, तो इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और इनको प्रेशर कुकर में डाल दें। अब जितना हमने चावल लिया था उसका 1.5 टाइम्स हम पानी लेंगे। तो एक कटोरी चावल के लिए हम 1.5 कटोरी पानी लेंगे। पैक पे ये भी लिखा था कि आप इसमें बनाते वक्त थोड़ा सा नमक डालें और 1 चम्मच घी डालें। तो ये घी हम डाल देते हैं, इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे 1 सीटी हाई फ्लेम पर, बस उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और सीटी अपने अप डाउन होने देंगे। विसल डाउन हो चुकी है, आइए ओपन करके चेक करते हैं। चावल काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, ये मुझे खोलने से आराम से अलग अलग हो रहा है। देखने में बहुत लंबा नहीं है पर है काफी पतला और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो मुझे तो चावल ओवरऑल अच्छा लगा, जो इसकी प्राइस रेंज है उसके हिसाब से अच्छा है। 255 में अगर आपको 5 kg पड़ता है तो आई विल गिव 5 out of 4 टू दिस राइस। होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।